ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। हम सभी इस संसार में पद्मा पदम भाग्यवान हैं, जो स्वयं भगवान ने आकर हमें नजर से निहाल किया है। भगवान की नजर हम पर पड़ी है, माया की नजर हम पे पड़ नहीं सकती। और जिसकी नजर एक पर स्थिर हो, उसकी नजर चारों ओर भी भटक नहीं सकती। और ये भी सत्य है, जिसकी नजरें देहधारियों की ओर भटकती हैं, उसकी नजर एक पर स्थिर नहीं हो सकती। तो आइए हम निरंतर बाबा की नजर से निहाल होते रहें, हमारी नजरों में बाबा समाया रहे। बहुत सुंदर ये स्थिति है कि नैनों में एक की छवि समा जाए। जैसे जो लोग श्री कृष्ण को या श्री राम को बहुत प्यार करते हैं, उनके नैनों में उनका बाल रूप या युवा रूप समाया रहता है, उनकी छवि उनको प्रिय लगती है, उनका ही चिंतन उनके मन को भाता है, उसी में वो रमे रहते हैं। हम भी परमात्मा स्वरूप में रम जाएं, मग्न हो जाएं, उनका ही प्यार हमें अच्छा लगे, उनकी ही छवि हमें अच्छी लगे, वही हमें सबसे सुंदर लगे, वही हमें कल्याणकारी प्रतीत हो, उसका ही चिंतन हो हमारे मन में, तो एक पर हमारी नजर लगी रहे। ये भी उनके लिए ही संभव है जिनकी नजर चारों ओर से हट चुकी है, न जिनकी नजर धन पर है, न देहधारियों पर, न मोह ममता पर, न और संसार के सुख साधनों पर। कहते हैं ना, इसकी नजर तो वहां लगी हुई है हमेशा, लेकिन चारों तरफ से अपनी नजर को हटाकर हमें एक में स्वयं को मग्न कर देना है। वैसे भी सूक्ष्म ज्ञान का एक ये सार युक्त महावाक्य है, एक के प्यार में संपूर्ण रूप से मग्न होना ही संपूर्ण ज्ञान है। अर्थात जो मनुष्य चारों ओर से अपनी बुद्धि को कछुए की भांति समेट लेता है, वही श्रेष्ठ योगी बन सकता है। और योगी ही इस संसार में सबसे महान है, तपस्वियों से भी श्रेष्ठ, शास्त्रवादियों से भी श्रेष्ठ। योगियों के श्रेष्ठ वाइब्रेशंस के द्वारा ही जग का कल्याण होता है। बाबा ने कहा है, तुम मेरे स्वरूप में मगन रहो। जो मुझे 8 घंटे याद करते हैं, वो मेरे सबसे अधिक मददगार हैं, क्योंकि उनके द्वारा ही संसार में सुख शांति पवित्रता और शक्तियों के वाइब्रेशन फैलते हैं। और इसकी ही आज संसार को बहुत जरूरत है, क्योंकि अकेले मुख से ज्ञान देने से दूसरों का हम कल्याण नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारे वाइब्रेशंस उनकी सोई हुई चेतना को जगा देते हैं। हमारे वाइब्रेशंस उन्हें अंतर प्रेरणा देते हैं, ताकि वो करने की सोचें जो उनको करना चाहिए। बाकी पाप तो बुद्धि को मलिन कर देता है। जिसको अपनी बुद्धि को एकाग्र करना हो, उसे देहधारियों की ओर से अपनी नजरें हटानी पड़ेंगी। आप सूक्ष्म रूप से चेक कर सकते हैं, यदि आप सारा दिन देहधारियों को देखते हैं तो आपकी बुद्धि कभी एकाग्र नहीं होगी। लेकिन आप देहधारियों को देखना बंद करके उनके मस्तक में चमकती हुई आत्मा को देखें, तो पहले दिन से बुद्धि स्थिर होने लगेगी और हमारे श्रेष्ठ वाइब्रेशंस भी उनको जाने लगेंगे। तो आइए एक परमात्मा से नजर मिलाएं, उनकी नजरों से निरंतर निहाल होते रहें, उनकी नजरों से प्यार की और अपनेपन की फीलिंग करते रहें। तो आज सारा दिन हम दूसरों को आत्मा देखने की प्रैक्टिस करेंगे।
और नजर रखेंगे एक महाज्योति पर। हम केवल उसे देख रहे हैं और उसके वाइब्रेशंस हमें निहाल कर रहे हैं। बार बार सारे दिन में ये अभ्यास करेंगे। हमारी नजरें हमारे परम सद्गुरु निराकार सर्वशक्तिवान पर लगी हुई हैं। ओम शांति।